उनको नमन करने का मन करता है, मनन करने का मन करता है हमारे बनारस के पहले डायमंड मनोज एंड संगीता अग्रवाल जी, जबरदस्त तालियों के साथ। कनोज जी, अनीता जी, आपका एक्साइटमेंट देख करके रियली वी आर वेरी एक्साइटेड। और दया जी, पूनम जी, और आज जैसा सबको पता है, सब देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब हम लोग जो वीकली ये ओपन मीटिंग है इसको संडे को 11:30 बजे नियमित करेंगे, क्योंकि अब तो सभी लोग घर पे हैं और घर से ही मीटिंग होनी है। तो हम ये 1.5 घंटा इसमें इन्वेस्ट करके इसके बाद जो और मीटिंग्स करनी है और कहीं मूव करना है तो वो सब काम करेंगे। तो आई थिंक कि ये सबको काफी इम्पैक्ट करेगा, सबको काफी इससे सहूलियत होगी, क्योंकि काफी गहराई से सोचने के बाद ये निर्णय लिए। और मेरे मन में काफी विचार चलते रहते हैं, क्योंकि अब ये डिजिटल होने से जो मेरी जर्नी है उससे मैं ऑलरेडी बहुत कुछ सीखता रहता हूँ, समझने की कोशिश करता रहता हूँ। तो आज मेरे पास ऐसा सच कुछ भी नहीं है कि मैं कोई टॉपिक है या कुछ है, लेकिन मैं अपनी जर्नी के एक्सपीरियंस से ही आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो मेरी लर्निंग्स हैं, जो मैं समझ पाया हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि शुरुआती दौर का मेरा कोई वीडियो या फोटो वीडियो नहीं है आपके पास कि मैं आपको दिखा पाऊं कि उस समय मैं कैसा था, क्योंकि अगर आज वो वीडियो होता और आप देखते तो निश्चित रूप से आपके जुबान से फटाक से एक आवाज आती कि ये बंदा अगर डायमंड हो सकता है तो हम सभी हो सकते हैं। बस इस जर्नी में मैंने एक ही चीज किया कि इसके एसोसिएशन में रहा जो कामयाब लोग हैं और अपने को इम्प्रूव करता रहा। और आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि डायमंड होने का सीड सब के अंदर है, वो क्षमता आप सब में है, हडल कहाँ है थोड़ा सा मैं ये पॉइंट आउट करने की कोशिश करूंगा, उसी पे हम सबको काम करना है। दोस्तों, इधर मैं कई दिनों से वॉच कर रहा था, सुमित जी से भी मेरी डिस्कशन हो रही थी कि आखिर क्या कारण है कि 20 साल पहले जब हम लोग बिजनेस में आए थे, या 30, 35, 40 साल पहले हम बचपन की चीजें याद करते हैं, तो हम लोगों के पास लर्निंग एटीट्यूड बहुत अच्छा था सभी के पास। इन दिनों हम एक चीज वॉच कर रहे हैं कि लर्निंग एटीट्यूड में कमी आ गई है। हर व्यक्ति काम कर रहा है और काम में मशगूल है, तो आखिर क्या वजह है, क्योंकि समझता हर इंसान है। तो इस पर जब मैं काफी गहराई से चिंतन किया तो उसका कारण कुछ कुछ जो मुझे समझ में आया कि पहले हमारा माइंड इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड नहीं होता था, आज के दिन हमारा माइंड ऑक्यूपाइड बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि पहले हमें बहुत कम चीजें सुनाई पड़ती थी, दिखाई पड़ती थी, बहुत कम जानकारियां मिलती थी, आज होलसेलर के भाव में ये मिल रहा है और हमारा माइंड इसी से ऑक्यूपाइड हो जाता है। और जितना ज्यादा हमारा माइंड ऑक्यूपाइड होगा उतना हमारा लर्निंग मोड कम हो जाता है। ये जो माइंड है जो भगवान ने सबको दिया है, यही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, यही हमसे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति भी है और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, यही सबसे बड़ा एसेट है, यही सबसे बड़ी लाइबिलिटी है। पॉइंट है कि हम कैसे इसे लीड करते हैं, क्योंकि आज प्रोडक्ट को लेकर के बिजनेस में कोई चैलेंज नहीं है, जब हम लोग आए थे तो चैलेंज था काफी। आज हर जगह प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है, प्रोडक्ट की डिमांड है, सक्सेसफुल लोग हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस बिजनेस में लोगों की टीम बनानी पड़ती है, लोगों को लाना है, लोगों को एजुकेट करना और लोगों को लीड करना है। लेकिन लोगों को लीड करने के पहले, सबसे पहले हमें अपने आप को, अपने इस माइंड को लीड करना पड़ेगा, अपने माइंड का ओनर बनना पड़ेगा। आज मैं काफी हद तक इसी के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखिए, माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हम, माइंड को एजुकेट कर सकते हैं। तो कैसे एजुकेट किया जाता है माइंड को? दोस्तों, बाहर की दुनिया में जब हम पैसा कमाते हैं ना, तो उसका संबंध प्रोडक्ट से होता है, पैसे से होता है, जीवन से नहीं होता। इस बिजनेस की ब्यूटी क्या है कि इस बिजनेस का संबंध हमारे जीवन से भी है।
इसलिए इस बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए हमें अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने जीवन का पर्पस ढूंढना पड़ेगा, अपने जीवन का सत्य ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि अगर मुझे 100 चीजें दिखाई दे रही है तो मैं 100 दिशा में भागूंगा, एक चीज को पकड़ लूंगा तो 99 चीज से पीछा छूट जाता है। तो हमने अपने जिंदगी का क्या सत्य पकड़ा है, क्या ढूंढा है, उसे हमें पकड़ना पड़ेगा उस 99 जगह से डिफोकस होने के लिए। तो मैं अपनी जब बात करूंगा, जिंदगी की बात करूंगा, तो सबसे पहले मैं वॉच करता हूं, देखता हूं, समझने की कोशिश करता हूं, हम लोग करते हैं समझने की मिलकर के साथ में। हमसे दो लोग डिमांड करते हैं, एक हमारा बॉडी डिमांड करता है और एक हमारा मन डिमांड करता है। जो बॉडी डिमांड करता है वो तो देना कंपलसरी है, वो तो हर इंसान को देना होगा, देना चाहिए। लेकिन जो मन डिमांड करता है वही से समस्या शुरू होती है। जैसे अगर मैं देखूं कि भूख लग रही है तो हमको खाना खाना होगा और हमने खाना खा लिया, तो ये खाना जो है, भोजन जो है, वो किसका डिमांड था? ये बॉडी का डिमांड था। लेकिन खाना खाने के बाद मिठाई खाने का मन कर रहा है, ये किसका डिमांड है? बॉडी का है कि मन का है? ये कौन डिमांड कर रहा है? ये हमारा मन डिमांड कर रहा है। अब अगर हमने मन की बात पूरी कर दी तो थोड़े देर बाद मन डिमांड कर रहा है हमसे आइसक्रीम भी खाने का मन कर रहा है। तो मन की एक खास बात क्या है, माइंड की एक खास बात क्या है कि उसकी बात हम मानने लग जाते हैं तो वो मनमर्जी करना शुरू कर देता है, वो हमारा मालिक बन जाता है। ऐसा नहीं है कि हम मन की डिमांड पूरी नहीं करेंगे, लेकिन मन की डिमांड हम पूरी करेंगे ओनर बन के, ओनर हम रहेंगे। जैसे मेरा मन अगर मिठाई मांगा, मैं उसे डांट के बोलूंगा कि अभी 4 दिन पहले खिलाया था ना तुम्हें, इस हफ्ते का मेरा ये काम है पूरा हो जाए, इसके बाद मैं तुम्हें दूंगा। यानी ओनरशिप जो है वो मेरे पास होनी चाहिए। और अगर ये मन डिमांड करना शुरू किया और इसको पूरा करना शुरू कर दिए, तो फिर हमारा मन जो है वो मूडी हो जाता है, हम मूड से जीने लग जाते हैं। और जब मन से जीना शुरू कर देते हैं तो मैं आपको बताता हूं, कभी वो मिठाई मिलेगी भी और नहीं भी मिलेगी, कभी मन का होगा भी और नहीं भी होगा। और जब नहीं होगा ना, तो ये मन इतना बवाल मचाएगा, इतना हमको डिस्टर्ब कर देगा कि फिर हम लर्न करने की स्थिति में ही नहीं रहेंगे। इसलिए कई बार देखिएगा, लोगों को आप कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे वो, हम आजकल बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं। और कई लोग तो मुझे ऐसा मिलते हैं कि 10 साल बाद भी मैं मिलता हूं और एमवे बिजनेस की बात करता हूं तो लोग कहते हैं बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं। दोस्तों, इस सृष्टि में जितने भी लोगों ने बड़ा काम किया है, नॉट इन एमवे बिजनेस, किसी भी क्षेत्र में बड़ा काम किया है, उन्होंने अपने इस माइंड के हमेशा 24 आवर 365 दिन वो ओनर बन के जीते हैं। और मेरी समझ से ये सबसे बड़ी खुशी इसी से मिलती है, क्योंकि अगर ये मन मनमर्जी का करने लग गया तो हमारा माइंड ही जब डिस्टर्ब रहेगा, अनइजी रहेगा, तो हम लोगों को कैसे लीड करेंगे? क्योंकि हमारा बॉडी एक्सप्रेस करता है। एक डिस्टर्ब माइंड से जब हम लोगों के बीच में जाते हैं ना, तो लोग समझ जाते हैं, चाहे हम कैसा ही नकाब पहने, कुछ भी करें, हमारा लोग समझ जाते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक गाड़ी है, 4-व्हीलर, वो बॉडी है, हमारी बॉडी है, उसकी पिछली सीट पे जो बैठा है वो हमारी जिंदगी है, और अगली सीट पे जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है वो हमारा मन है, माइंड है। अब आप इमेजिन कीजिए कि गाड़ी बहुत अच्छी है, पीछे जिंदगी जो है वो भी बहुत धन है उसके पास, सुख संपत्ति सब चीज है, लेकिन वो ड्राइवर उसकी सुनता नहीं है। वो कहता है पढ़िया चलने के लिए, वो चला जाता है लंका। तो पीछे जो बैठा है उसकी स्थिति क्या होगी? और ये बात लोग समझ जाते हैं कि हम अपने आप को लीड कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि लीडरशिप की शुरुआत यही से होती है। तो यहां क्या होता है कि हम बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और अपने में ही अनईजी रहते हैं और डिस्टर्ब रहते हैं। यहां हम छोटी छोटी बात को फील कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें हमें, हमारा ध्यान खींचने लग जाती है जिसका कोई महत्व नहीं है। तो माइंड को एजुकेट करने का सबसे अच्छा तरीका है एक,
कि मन जब भी आपसे कुछ मांगे तो आप उससे एक सवाल पूछिए, ये अगर नहीं भी मिलता है तो इससे मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन। अगर आप 20 साल के 18 साल के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, और आपको पापा कह देते हैं कि आज मार्केट मत जाओ, 3 दिन के बाद चले जाना, लेकिन मन ने आज ही ठान रखा है, तो फिर मन उपद्रव मचाना शुरू कर देगा। लेकिन यहां मैंने मन से एक सवाल पूछ लिया, आज के बजाय 3 दिन बाद चले गए तो जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। तो माइंड को वो खुराक एजुकेशन मिलता है। तो माइंड का एक खास बात क्या है कि हर घटना से, हर बातों से हम उसको ट्रेंड करते हैं। अमूमन होता क्या है कि हम अपनी फीलिंग से उसको ट्रेंड कर लेते हैं, हम अपनी फीलिंग से सोचते हैं कि हमें क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, हम इसके हिसाब से सोच के उसको फीड कर देते हैं, तब उसकी ट्रेनिंग गलत हो जाती है। मैं दूसरे एग्जांपल से फिर आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक घोड़ा है और एक घुड़सवार है, दोनों में शक्ति किसके पास ज्यादा है, ज्यादा ताकत किसके पास है? निश्चित रूप से घोड़े के पास है, और बहुत शक्ति है घोड़े के पास। लेकिन अगर वो घोड़ा जंगल में है और कोई उसके साथ घुड़सवार उसको गाइड नहीं कर रहा है, लीड नहीं कर रहा है, तो उस घोड़े का कैरेक्टर कैसा होगा? कभी वो दाएं भागेगा, कभी बायां भागेगा, कभी नहीं भागेगा, जो मन मर्जी आएगा वो करेगा, और पहुंचेगा कहीं नहीं, हासिल कुछ नहीं होगा। ये मन भी हमारा उसी घोड़े के समान है, और मन के ऊपर भगवान ने एक शक्ति हमको दी है जिसका नाम है विवेक, इंटेलेक्ट, बुद्धि जिसे कहते हैं। मन जो है वो बॉडी का हिस्सा है, इंटेलेक्ट विवेक जो बुद्धि है वो भगवान का हिस्सा है। जब उस विवेक से हम उस घोड़े को, मन के घोड़े को लगाम दे के लीड करते हैं, तो उसे ट्रेंड करते हैं, उसी जंगल के घोड़े को घुड़सवार ट्रेंड करता है धीरे धीरे, कब भागना है, कहां भागना है, कैसे भागना है, नहीं भागना है, और फिर धीरे धीरे एक पर्पस देता है और एक बहुत बड़ा लक्ष्य बनाकर एक रेस के मैदान में उतारता है एक मेडल जीतने के लिए, और उसे ऐसी ट्रेनिंग देता है कि पूरी शक्ति से वो उस रेस को दौड़ता है और वही घोड़ा उसे वो रेस जिता देता है। हमारा मन भी वही घोड़ा है। व्हाट आई लर्न, मैं इस एसोसिएशन में ये लर्न किया कि जब मैं इस बिजनेस में आया तो अपने माइंड को एजुकेट करना शुरू किया, और बहुत जल्दी मैं ये बात समझ पाया कि जब मेरे मन का नहीं होता है, मन के हिसाब से नहीं होता है, तो हम फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं, डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। लेकिन मैंने वहां एक सवाल यही पूछना शुरू किया, इससे जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। जैसे किसी ने ओपिनियन दे दिया कि एकदम फालतू काम में लगे हुए, किसी ने ओपिनियन कुछ दे दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने बोल दिया एकदम मनोज बेवकूफी वाला काम कर रहे हो, मैं एक ही सवाल पूछता था, इससे मेरी जिंदगी में फर्क क्या पड़ेगा। कोई मुझे चूहा समझता है, इससे मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। कोई मुझे शेर समझता है, इससे मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि किसी के चूहा समझने से भी मैं चूहा नहीं होऊंगा, किसी के शेर समझने से भी मैं शेर नहीं होऊंगा। लेकिन मन इसी में उलझाता है, और मैंने मन को जब ये सवाल पूछना शुरू किया, इससे जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, तो धीरे धीरे वो ऐसा ट्रेंड हो गया कि वो थक गया, और थक के चूर हो गया, और उसको समझ में आ गया कि इस आदमी को कितना ही बहकाओ, कितना ही बहलाओ, धीरे धीरे वो इसी में ट्रेंड हो गया कि ये हर चीज को जिंदगी के हिसाब से सोचेगा। तो अब मेरा मन हमेशा जिंदगी के हिसाब से सोचता है, वो एजुकेट हो गया है ऐसा। और मैंने देखा है कई कई बार अपने पसंद का भोजन न मिले, नाश्ता न मिले, पसंद की छोटी मोटी चीज ना हो तो भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमने किसी ट्रिप को आयोजन किया हुआ है और हम नहीं गए तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं हमेशा एक ही चीज पूछता हूं अपने माइंड से, इससे जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन मैंने अपने माइंड को एक ट्रेनिंग दे दिया था, डायमंड हो जाएंगे तो जिंदगी में बहुत फर्क पड़ेगा, डायमंड शिप आ जाएगी तो बहुत फर्क पड़ेगा, मेरी ही जिंदगी में नहीं पड़ेगा, सैकड़ों हजारों लोगों की जिंदगी में फर्क पड़ेगा।
तो हुआ क्या, धीरे 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 मेरा माइंड उसी तरफ प्रोग्रामड हो गया। दोस्तों भगवान ने हर इंसान के अंदर अथाह शक्ति दी है, उसके माइंड में अथाह क्षमता है। बस जो लोग चाहे एमवे की दुनिया में हो चाहे बाहर की दुनिया में हो, जो अपने माइंड को लीड कर लेते हैं वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी में चले जाते हैं। वो उनको ये समझ में आ जाता है कि जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, हम जिंदगी के हिसाब से चलेंगे। कई बार लोग मुझे कहते हैं मनोज जी कोई गलत करता है ना तो हमको बर्दाश्त नहीं होता, लगता है आपको? मैं आपको बताता हूं लीडरशिप की शुरुआत यही से होती है, कोई गलत करता है और बर्दाश्त नहीं होता ना तो वो बर्दाश्त करने सीखना चाहिए, क्योंकि वो गलत कर रहा है ये 6 महीने बाद उसको समझ में आ जाएगा। आप समझाने की कोशिश मत कीजिए, ये बड़ा नेचुरल प्रोसेस है। मैं बहुत गहराई में जब जाता हूं तो मैं समझ पाता हूं कि समुद्र को जब मथा गया था ना तो अमृत भी निकला और जहर भी निकला। तो अमृत तो सारे देवता पी गए, जहर को कौन पिएगा? तो जहर को पीने का, क्योंकि जहर को भी निपटाना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, तब शिव भगवान आगे आए और उस जहर को पूरा पी गए। यानी जो हम बर्दाश्त करते हैं जहर को, जो पी सकता है वही लीडर है। जहर को पीना सीखिए, अगर जहर को पी नहीं सकते हैं ना, अब देखिए शिव भगवान की लीडरशिप कितनी जबरदस्त है, उन्हीं का बारात निकलता है, उनकी मस्ती देखिए। उनके साथ एकदम दो विरोधी लोग हैं, सांप हैं, नेवला हैं, चंद्रमा है, ठंडे गरम आग है, हर कोई उनके साथ मस्ती से चल रहा है। दिस इज द लीडरशिप, अल्टीमेट लीडरशिप है उनकी, कितना वो स्वयं में स्थित हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे माइंड के हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी, सिचुएशन नहीं होगी। हम अपना एक माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं, एक माइंड को डेवलप कर लेते हैं, बना लेते हैं, और हमें लगता है मेरे माइंड के हिसाब से सब चीज चले तो हमें अच्छा लगता है, तब हम कहते हैं बहुत अच्छा लगा। माइंड के हिसाब से नहीं होता है तो हमें लगता है खराब हो गया, हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन मेरा माइंड इंपॉर्टेंट नहीं है, सिचुएशन इंपॉर्टेंट है। एक सिचुएशन में एक चीज सही है और उसी सिचुएशन में दूसरी चीज गलत हो जाती है, वही चीज गलत हो जाती है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, अगर मैं अपनी सिस्टर के साथ जिसकी उम्र 20-25 साल है एक बस में चढ़ता हूं, मेरी जेब में 2 लाख रुपया है और मैं देखता हूं बस पूरा खाली है, उसमें 4-5 केवल गुंडे बदमाश हैं। अब ये एक सिचुएशन है लाइफ में और वो हमसे गलत व्यवहार करना शुरू कर देते हैं बस में। अब मैं वहां ये समझाना शुरू कर दूं और नॉलेज देना शुरू कर दूं कि भाई ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए, भारत का संविधान ये अलाउ नहीं करता, हमको ये बर्दाश्त नहीं होगा, हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ कर दिखाएंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं पैसा भी जाएगा, मैं भी जाऊंगा, सिस्टर भी जाएगी। अब यहां विजडम यही है कि अपने माइंड को छोड़िए क्या सही गलत है, समझदारी यही है कि भैया 2 लाख है, 1 लाख में ऑपरेशन कराने जा रहे हैं माता जी की, 1 लाख ले लो, हमारा पिंड छोड़ो, 1.5 लाख ले लो, छोड़ो, जान बचाओ, वहां से निकलने में समझदारी है। तो जो आदमी माइंड का लीडर होता है वो सिचुएशन बेस्ड लाइफ जीता है, सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है वो, उसका माइंड प्री ऑक्यूपाइड नहीं होता कभी भी, पहले से ही कोई धारणा नहीं होती है, पहले से ही मैं धारणा बना लिया हूं मेरा पड़ोसी गलत आदमी है, अब वो आकर के कोई मेरे फायदे की भी चीज कर रहा है तो मुझे गलत लगेगा। तो माइंड को प्री ऑक्यूपाइड नहीं होना चाहिए। और जब हम अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, अननेसेसरी बहुत सारी बातों को माइंड में इकट्ठा कर लेते हैं तो उसकी क्षमता बहुत घट जाती है। मैं जब बाहर की दुनिया में जाता हूं तो मैं आपको एक बात बता सकता हूं, हर व्यक्ति के पास अपने माइंड का जाम है, अपने बिलीफ का एक जाम है और उसे दूसरे को पिला के बड़ा अच्छा लगता है जब वो कहता है आप ठीक कर रहे हैं, लगता है ना। मैं तो देखता हूं भगवान को लेके भी कंपटीशन हो जाता है, मुझे शिव जी अच्छे लगते हैं, उन्हें हनुमान जी अच्छे लगते हैं, उन्हें कुछ अच्छा लगता है,
और सब अपने अपने जाम को लेकर अडिग हो जाते हैं। मैंने एक चीज अपने माइंड को एजुकेट किया है इधर में, बाहर की दुनिया में नेवर आर्गुमेंट एनीबॉडी एल्स इन दिस वर्ल्ड, ऑलवेज एग्रीमेंट। कोई कुछ कहे शिव भगवान अच्छा सबसे अच्छे, दूसरा मिला हनुमान जी सबसे अच्छा सबसे अच्छे, मनोज जी मिले बोले साईं बाबा सबसे अच्छे वही है। इसको मारवाड़ी में कहावत कहते हैं, जो थारी राय सो मारी राय। क्योंकि हमें इस दुनिया को सुधारना नहीं है, दुनिया को नहीं समझाना है, दुनिया को प्रूव नहीं करना है, हमें अपना सत्य जीना है, अपना गोल अचीव करना है। और मैं एक चीज जानता हूं, जैसे जैसे हम अपने गोल को अचीव करेंगे बाहर की सारी दुनिया बदल जाएगी। अभी आपको लोग कहेंगे नहीं कर सकते, नहीं होगा, बड़ी कठिन है, बड़ी मुश्किल है। जैसे जैसे आप करने लगेंगे प्लैटिनम हो जाएंगे, एमराल्ड हो जाएंगे, वही लोग कहेंगे मैं कहता था ना तुम कर जाओगे, मैं कहता था ना हो जाएगा, मैं कहता था तुम दुनिया से अलग हो। हमारे साथ गलत क्या होता है, हम बोलने में फंस जाते हैं। एक बात ध्यान में रखिए, बोलने से अगर आप रिलैक्स होते हैं, इसका मतलब बोलने के पहले हम फ्रस्ट्रेटेड थे। लीडरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जितनी जरूरत हो उतना बोलिए। मैं कई लोगों को देखता हूं मौन करते हुए, उसमें लोग दो घंटा बोलते नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि जब उसके बाद वो अगले 8 घंटे में जो 2 घंटा नहीं बोले उसका पूरा का पूरा 4 गुना ब्याज समेत बोल डालते हैं। अगर आप बोल के हल्के हो रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर अननेसेसरी चीज था, वो कहां से आया, हमें उसका इलाज करना है। क्योंकि वो अननेसेसरी जब हम बोल जाते हैं ना, जिसकी आवश्यकता नहीं है, फिर वहां मन से सवाल पूछना है, मैं जो बोल रहा हूं वो बोलना जरूरी है? क्योंकि मैंने देखा है जिंदगी की ज्यादातर जंग जो है ना वो बिना बोले सॉल्व हो जाता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम, और मैक्सिमम प्रॉब्लम बोलने के कारण है। आप वॉच कीजिएगा, दिन भर अपना एक लिस्ट बनाइए कि हम कितना चीज है जो नहीं बोलते, नहीं बोलते तो भी हमारा काम फर्स्ट क्लास हो जाता। दोस्तों, इस माइंड को एजुकेट नहीं करेंगे तो ये फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है। माइंड जब एजुकेट होता है तो ग्रो करने लगता है। हमने इसको ऐसा ट्रेंड कर दिया है, ऐसा ट्रेंड कर दिया है कि 365 दिन में 1 मिनट के लिए भी ये कुछ मेरे से डिमांड नहीं करता, 1 मिनट के लिए भी इसकी हिम्मत ही नहीं होती। मैंने इसे ऐसा एजुकेट कर दिया है कि मेरा माइंड हमेशा मुझसे एक ही चीज मांगता है और पूछता है नेक्स्ट ईयर कितने प्लैटिनम लोग जा रहे हैं आपकी टीम में, कितने लोग फाउंडर प्लैटिनम जा रहे हैं, कितने लोग एमराल्ड जा रहे हैं, कितने लोग डायमंड जा रहे हैं। मेरा माइंड पूछता ही मुझसे यही है। मुझे एक बात समझ में आ गई थी शुरुआती दौर में कि जिंदगी में हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए, एक चीज, वही हमें पता नहीं है। और वो जब हमें पता नहीं है तो हमारा मन वो घोड़ा बन करके जंगल में चारों तरफ भागता है और कहीं नहीं पहुंचता, क्योंकि उसको जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है। वो हमारे माइंड को फुलफिलमेंट चाहिए, अचीवमेंट नहीं चाहिए, फुलफिलमेंट चाहिए। मैं शुरुआती दौर में इस बिजनेस में समझ गया था कि जो इस बिजनेस की ब्यूटी है कि बाहर की दुनिया में केवल फॉर्मेलिटी चल रही है, सब लोग अच्छा दिखने में लगे हैं, मैक्सिमम लोग अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन है बहुत कम लोग। लेकिन मैंने यहां देखा जो लोग बोल रहे हैं वो जी रहे हैं, जीने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां जीना पड़ता है। मुझे एक बात बताइए, एक आदमी भगवान के तस्वीर के आगे 25 साल तक तबला बजाता है, लोग उसे धार्मिक समझते हैं लेकिन वो भगवान को जी नहीं पाता, और 25 साल के बाद उसको आभास होता है कि 25 साल मैंने भगवान के सामने तबला तो बजाया लेकिन भगवान को जिया नहीं। कितनी पीड़ा होगी उसे। लीडरशिप बोलने का नाम नहीं है, परफॉर्म करने का नाम नहीं है, जीने का नाम है, जीना है यहां पे। जो चीजें हम बताते हैं लोगों को वो जीते हैं, तब हमारा जीवन आनंदित होता है।
और इस प्रक्रिया में दर्द आएगा, ऐसे ऐसे दर्द आएंगे जो आप कभी शेयर नहीं कर पाएंगे। कई चीजें तो आप बोल नहीं पाएंगे, और ज्यादातर पेन जो दर्द आएगा ना, वो आपको कुछ अपने करीबी लोग से आएगा और बहुत करीबी लोग से आएगा। बट ध्यान में रखिएगा, ये जीवन हमें यूनिवर्स ने दिया है, भगवान ने दिया है, और हमारी जिंदगी की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी इस जीवन को ग्रो करना है। भगवान ने बनाई है ये दुनिया, और भगवान की बनाई हुई दुनिया बहुत अच्छी है, और भगवान को जो करना है वो करेगा दुनिया में, उसको करने दीजिए, उसके काम में इंटरफेयर मत कीजिए। हमें केवल केवल अपने आप को ठीक करना है, अपने माइंड को लीड करना है, अपने मन की सारी शक्तियों को बटोरना है। जैसे मैंने बताया कि बॉडी हमारा खाना मांगता है, मन बहुत चीज चाहने लगता है, मांगने लगता है, और हम उसको देते देते उसके ऐसे आदि हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, ये मन बिन पेंदी का लोटा है, आज तक किसी का नहीं भरा है। एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि ये मन भरता क्यों नहीं, तो उन्होंने बोला चलो कुएं पे, तुम सवाल मत करना, मैं तुम्हें कुछ करने के लिए बोलूंगा वो करना। तो उन्होंने एक बाल्टी दिया, बोला इस पानी भर के निकालो। जब पानी भर के निकाल रहा था, ऊपर बाल्टी आ रही थी, तो क्या हो रहा था, पूरा पानी खाली हो जा रहा था, क्योंकि उसमें पेंदी नहीं था। और गुरुजी ने यह बोल दिया था कि पूछना मत, कोई सवाल मत करना, आधे घंटे हो गए, अब वो ना पूछ पा रहा है और पानी भर नहीं पा रहा है। थक हार के उसे पूछना पड़ा, बोला ये मन इसी तरह का है, ये कभी भरेगा नहीं, इसको एजुकेट कर दीजिए। तो लोग मुझे कहते फिर पैसा बहुत क्यों कमाना है। दोस्तों, पैसा एक बहुत बड़ी शक्ति है, धन एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिससे हमारे जीवन का भी उद्धार होता है और औरों के भी जीवन का उद्धार होता है। पहला पैसा कमाते हुए पहली हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अगर हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, तो हम इतना इन्वेस्टमेंट साइड बाय साइड करें कि अगर हम 1,00,000 रुपया, 80,000 रुपया, 60,000 रुपया अर्न कर रहे हैं, तो उतने की हमको इन्वेस्टमेंट से इनकम आए। ये हमारी जिंदगी की पहली जरूरत है। ये कौन डिमांड कर रहा है, ये किसका डिमांड है बताइए? ये मन का डिमांड है कि बॉडी का डिमांड है? ये बॉडी का डिमांड है, क्योंकि जो 80,000 1,00,000 रुपया है वो हमारी बॉडी की बेसिक जरूरत है, और अगर बॉडी की बेसिक जरूरत पूरी नहीं होगी तो हम जिंदगी में हमेशा सर्वाइवल मोड में रहेंगे, हमेशा सर्वाइवल मोड में रहेंगे। और जो आदमी सर्वाइवल मोड में होता है वो कभी अपने ट्रू पोटेंसी पे काम ही नहीं कर सकता है, न उसे रियलाइज कर सकता है। लेकिन इस कैपिटल को क्रिएट करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है, सबसे बड़ी बाधा क्या है कैपिटल को क्रिएट करने में? सबसे बड़ी बाधा है कैपिटल को क्रिएट करने में कि ये हमारा मन इतना हमें मन मर्जी का करने लग जाता है। और मैं ये बता रहा हूं कि मन को देंगे लेकिन ओनर हम होंगे, उसको ओनर नहीं बनने देंगे। मैं भी बता रहा था कि बाहर संसार में जिएंगे लेकिन संसार से प्रभावित नहीं होंगे। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी वी कैन डेवलप विद इन अस, दिस इज द लीडरशिप। मैं जब लोगों से मिलता हूं, हर व्यक्ति अपना अपना बोतल खोल देता है, अपने बिलीफ का बोतल खोल देता है, अपनी बात शुरू कर देता है, और मुझे पता है कि वो अपना पिलाएगा, इसके पहले मैं अपना खोल देता हूं। और मेरा वाला इतना कड़वा है कि वो अपना फिर बोतल पैक करके अंदर रख लेते हैं। हमें अपने जीवन का सत्य ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप सबको बताऊंगा, आपका पहला ड्रीम और पर्पस होना चाहिए कि जितना हम अर्न करते हैं आज, उतने का हमें इन्वेस्टमेंट से इनकम आए। दुनिया में दिखा के कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, आगे उनकी भी मैरिज करनी है। आप यकीन मानिए, कैसे शादी करना है ये एक सेकंड मेरे दिमाग में नहीं चलता। शादी के बाद जीवन अच्छा चलेगा 24 आवर्स यही दिमाग में चलता है, क्योंकि वो एक दिन जो है ना वो मन का खेल है, उसके बाद जीवन का खेल है। अभी मैं एक लॉयर के पास था, वो बोले भैया अभी सबसे ज्यादा
कोर्ट में डिमांड जो है ना वो फैमिली कोर्ट की सबसे ज्यादा डिमांड है, और एक समय फैमिली कोर्ट था ही नहीं। और उस लॉयर ने हमें बोला कि अब तो हमें भी समझ में आ गया है मनोज जी कि शादी वाले दिन इतना पड़ाका फोड़ते हैं, बाद में कितना पड़ाका फूटेगा ये समझ में नहीं आता लोगों को। जितने लोग बाहर की दुनिया में मिलेंगे ना, कोई कृष्ण से कम नहीं है आज के दिन। कृष्ण के जैसा कपड़ा होगा, कृष्ण के जैसा पहनावा होगा, दिखेंगे कृष्ण की जरह। और मैं तो कई लोगों को देखता हूं, दो लोग होते हैं बोलते हैं भाई आधे घंटे मैं कृष्ण तुम अर्जुन, और आधे घंटे बाद तुम अर्जुन मैं कृष्ण, दोनों एक दूसरे से हल्के हो रहे हैं। ये जो माइंड भारी हो जाता है ना, जो हल्का करना पड़ता है इस सिस्टम में, जब अपने माइंड को आप एजुकेट करेंगे, ग्रो करेंगे, तो ये भारी ही नहीं होगा। आप हर स्थिति में खुश रहेंगे, हर स्थिति में खुश रहेंगे। इसको कहते हैं हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करेंगे। मैं आपको बताता हूं, दुनिया में सबसे अमीर आदमी वो होता है जो बिना किसी कारण के खुश रहता है। और इस बिजनेस में, लीडरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज में से एक है खुश रहना, अंदर से खुश होना। आप लोगों के पास हम गए ये सोच के मत जाइए कि वो प्रोडक्ट लेगा, ये सोच के बात मत कीजिए कि वो बिजनेस करेगा। इस तरह से मिलिए कि आपसे मिलके कितनी खुशी हो रही है। वो कंफ्यूज हो जाएगा बंदा, वो देखेगा हमारे पास इतना कुछ है, हर चीज मेरी फेवर में होता है तो भी मैं खुश नहीं हूं, और इसको मैंने मना कर दिया तो भी खुश है ये। दिस इज अ थॉट प्रोसेस, दिस इज वे टू एजुकेट द माइंड। आप देखिएगा मन का जो नेचर है वो क्या है, मन का एक नेचर है, उसको जो चीज है उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, जो नहीं है उसी में इंटरेस्ट आएगा। आप करके देख लीजिए, अगर आप अपना पास्ट देखेंगे ना तो मन से हमेशा एक ही बात निकलेगा, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताइए, पूरा जीवन सब कुछ मेरे मन के ही हिसाब से हो जाए तो मैं ग्रो कैसे करूंगा, फिर तो मैं भगवान हो जाऊंगा। जो मेरे हिसाब से हुआ वो भी भगवान चाहता था, जो मेरे हिसाब से नहीं हुआ वो भी भगवान चाहता था। और अक्सर हम यही सोचते हैं, ये रॉन्ग थिंकिंग है। हमेशा ये सोचना चाहिए क्या हमारे हिसाब से हो गया। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माइंड को एजुकेट करने में एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो हमें मिला है, जो हमें है। अरे वैसा कर लेते तो बड़ा घर हो जाता, लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि एक मेरे पास फिर भी घर है, कईयों के पास तो ये भी नहीं है। दिस इज वे कि हम कैसे राइट थिंकिंग करते हैं। मन हमेशा एक ही विचार करता है, मुझे क्या अच्छा लगा, मुझे क्या खराब लगा। इसको राग और द्वेष कहते हैं। और जितना ज्यादा ये स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा हमारा माइंड का पोटेंसी घट जाएगा। इसके ऊपर जो विवेक प्रधान जीवन होता है, जहां मन खत्म होकर विवेक शुरू होता है, वहां पे राइट और रॉन्ग होता है, उचित अनुचित होता है, योग्य अयोग्य होता है, जीवन के लिए क्या ठीक है, वहां हम जब पहुंचते हैं ना तो हमें अपनी फीलिंग की ध्यान नहीं होती कि मुझे क्या अच्छा खराब लगेगा। वहां ऑटोमेटिक ये ख्याल आता है कि सामने वाले को क्या खराब लगेगा, सामने वाले को क्या अच्छा लगेगा। दिस इज लीडरशिप, अपना तो ख्याल ही नहीं आता है। दोस्तों यही मन सबके पास है। हमारे स्वामी जी कहते हैं इसे मनी राम, बोले जो व्यक्ति अपने इस मनी राम को संभाल लिया, मैं आपको बता नहीं सकता ये जब डिस्टर्ब होता है तो कितना बड़ा तूफान लाता है, भूकंप तक को हिला के रख देता है। और ये जब शांत होता है, और इसको शांत होने के लिए एजुकेट करना पड़ेगा, फिर यही मन अपनी शक्ति को बटोर के आपको इस जर्नी में डायमंड शिप तक ले जाएगा। मैंने अपने मन को ऐसा ट्रेंड कर दिया है, ऐसा ट्रेंड कर दिया है शुरू से, और करता जा रहा हूं कि जिंदगी में क्या चाहिए। मुझे एक फिल्म आई थी अजय देवगन की, मुझे ठीक से नाम याद नहीं आ रहा है, जिसमें एक डायलॉग बोलता है अपने सीनियर को, दोनों इंस्पेक्टर रहते हैं, और वो कहता है मेरी जरूरतें बहुत कम है इसलिए मेरे में बहुत दम है। कईयों को नाम याद आ गया होगा।
दोस्तों मेरी बॉडी की जो जरूरत है सो है, मेरी मन की जरूरत यही है आज की डेट में। मैंने एजुकेट जो किया है कि आई नीड 100 प्लैटिनम्स इन माय टीम। मेरा संगीता जी का सपना है कि 50 लोगों के साथ एलएस की ट्रिप पे एक दिन जाएंगे। और ऐसा क्यों है, इसमें मेरा सत्य क्या है? एक व्यक्ति इस बिजनेस में फाउंडर प्लैटिनम जाता है तो वो कम से कम 100 लोगों की जिंदगी को इंपैक्ट कर देता है। और अगर 50 लोग एलएस पे जाएंगे तो कम से कम 50 लोग मिल करके 10,000 फैमिली को इंपैक्ट कर देंगे, 10,000 लोगों को जिंदगी को इंपैक्ट कर देंगे। मुझे कोई चीज की और इच्छा ही नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा हमें बढ़िया गाड़ी नहीं लेना चाहिए, बड़ा बड़ा बढ़िया घर नहीं लेना चाहिए, लेकिन फर्स्ट नीड वी नीड कि पहले हम फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएं, अपना कैपिटल को फॉर्म करें और फिर बॉडी को कंफर्ट बढ़ाते जाएं और फिर लोगों की लाइफ में वैल्यू एड करें। जब हम लोगों से मिलेंगे और बात करेंगे ना तो लोगों का मन बहुत बेचैन है, बहुत डिस्टर्ब है मन। जैसे किसी ने आपको प्रॉमिस किया आज मैं जरूर मीटिंग में आऊंगा और आपको यकीन था और उसे भी यकीन था कि आज मीटिंग में आएंगे, लेकिन वो क्यों नहीं आ पाया? उसका कारण नहीं है, उसका मन उसकी काबू में नहीं है। हमारा काम यही तो है कि हम उसे उसे काबू में उसकी ओनरशिप दिलवाना चाहते हैं और वो उसी से परेशान है। और आप पूछ लेते हैं, हम पूछ लेते हैं क्यों नहीं मीटिंग में आए, तो वो भी बड़ा शर्मिंदा होता है और वो समझ जाता है कि मैं मेरा माइंड मुझे भगा दिया। तो यहां पर वो बीमार है माइंड से। आपको इस तरह की सोच रखनी है, उसे हेल्प करना है कि वो अपने माइंड का ओनर बने। और ये होता है जब हम लाइफ में वैल्यू देते हैं। आप देखिएगा, अगर हमारा मन अशांत है, अगर हमारा मन अशांत है तो उसमें जितनी लाइफ की वैल्यू बढ़ाएंगे, जितना उसको ये बताएंगे इससे जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, इससे जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। मैं देखता हूं कि कोई व्यक्ति 2000 का एक टी शर्ट लाया 15 दिन परेशान होकर के और पहन के मस्त है, और दूसरा वाला 20,000 का पहन के आ गया, तो मैं देखता हूं कितना वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब पॉइंट है, बॉडी बॉडी की डिमांड वो शर्ट थी, टी शर्ट थी, अब जो डिमांड आ रहा है वो मन कर रहा है। और यहां एक ही सवाल पूछना पड़ता है, इससे जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, इससे जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, इससे जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। मेक लाइफ कंफर्टेबल, इन्वेस्ट इन योर लाइफ, इन्वेस्ट इन योर फैमिली। लेकिन मैं देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं कि हमारी जिंदगी के सारे फैसले लोग ले रहे हैं, हम नहीं ले रहे हैं, लोग लेते हैं। लोगों के ओपिनियन, लोगों की नजरों में बड़ा बनने के लिए, लोगों को सिद्ध करने के लिए ये मन के जाल में फंस जाते हैं। यही मन का जाल हमारा खुद का बनाया हुआ जाल है, चक्रव्यूह है, और इसी में फंस के हम रेंगते हैं जैसे क्या बोलते हैं उसको, मकोड़ा उसमें रेंगता है वही हम, और हमारा अपना खुद का खून उसमें बहता है। हमें दुनिया में बड़ा नहीं बनना है, बड़ा बनेंगे तो मन का एक काम है वो चॉइस पैदा कर देता है। हमें बड़ा बनेंगे तो हमको तुरंत कोई छोटा दिखेगा, इमीडिएटली किसी के आगे हम छोटे हो जाएंगे। आप करके देख लीजिए, फिर ये बड़ा छोटा के खेल में हम सारा जीवन फंसे रहेंगे। हमें अच्छा बनना है, एज अ ह्यूमन बींग ग्रो करना है, वही परम आनंद है, वही खुशी है, वही हमारी असलियत है। और वो जो बड़ा छोटा का खेल है वो बोझ है। और मैं एक ही चीज जानता हूं, हर व्यक्ति जो अभी इस मीटिंग में है, एक एक आदमी डायमंड जाने में सक्षम है। मैं आप सबको अपने से बेहतर स्थिति में पाता हूं, केवल मैंने अपने माइंड को जबरदस्त एजुकेट कर रखा है, जबरदस्त। मेरा माइंड मुझे 365 दिन और 1 घंटे के लिए भी भगा नहीं पाता, और वो इतना थक के लाचार हो गया है कि सरेंडर हो गया मेरे आगे। अब वो उसकी आदत हो गई है कि वो मेरे हिसाब से ही सोचता है कि इसके आगे मेरी दाल गलेगी नहीं,
ये फंसने वाला नहीं है और हम इसी में फंस जाते हैं। इस मन से निकल के विवेक प्रधान अपना जीवन बनाना है, इंटेलेक्ट पे जीना है और इंटेलेक्ट और विवेक का लगाम लगा के माइंड को एजुकेट करते रहिए। वही माइंड अभी हमें डिस्टर्ब कर रहा है, वही माइंड हमें ताकत देगा और आप डायमंड चले जाएंगे। बिलीव मी, आप यकीन मानिए, भगवान की दिव्य सबसे बड़ी शक्ति है ये मन। इसी को कहते हैं ना कि हमारी मन स्थिति कैसी है, परिस्थिति पे हमारा कंट्रोल नहीं है। आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बचपन में हर कोई कभी ना कभी आग को छूता है तो उसे पता चल जाता है आग गर्म है और फिर उसी के हिसाब से उसके साथ जीना शुरू कर देता है, लेकिन कभी ये कंप्लेन नहीं करता आग गर्म क्यों है। अब अगर इसी तरह कोई हमें व्यक्ति मिलता है, हमारे जीवन में आता है जो आग की तरह गर्म है, तो यहां विवेक ये कहता है कि उसके साथ उसी समझदारी से जीना है। हम क्या करते हैं, हम इसको ठंडा करके मानेंगे, हम इसको ठीक करके मानेंगे और हमारा मन इसी में उलझ जाता है। ये इतना गर्म अपनी गर्मी क्यों दिखा रहा है? अरे भाई, इस दुनिया में गर्मी किसी की नहीं चलती है, एक ही की चलती है, ऊपर वाले की। आप चिंता क्यों कर रहे हैं, समय बीतने दीजिए। मुझे कई लोग बोलते हैं 50 साल में 45 साल में मेरे में इतना ये है ये है, उनका जब अहंकार दिखता है, मैं बोलता हूँ 20 साल रुक जाओ, जब 70 साल के हो जाओगे ना तो एक ही ड्रीम होगा, बाथरूम कौन पहुंचाएगा, सारे पैसे रखे रह जाएंगे, सारी दौलत और सारी चीजें रखी रह जाएंगी। मेरे माइंड ने बहुत जल्दी एजुकेशन ये लिया था इस बिजनेस में, इस बिजनेस में बाहर के बिजनेस में सब कुछ मिलेगा, इस बिजनेस में एक चीज मिलते हैं और वो है सच्चे दोस्त, जो कहीं नहीं मिलेंगे, आसान नहीं है मिलना आज की दुनिया में। 5-स्टार होटल में जाके 500 रुपया का चाय पी लेना अलग बात है, लेकिन इस बिजनेस में एक डिस्ट्रीब्यूटर के यहां जाते हैं, वो जितने प्रेम से चाय बना के पिलाता है, कुछ साथ में पकौड़ा भी आ जाता है, और फिर हम ड्रीम की बात करते हैं, पर्पस की बात करते हैं, लाइफ की बात करते हैं। वो चाय, उसका मूल्य पैसे से नहीं तोला जा सकता, ये रिलेशनशिप इस बिजनेस में मिलता है। और मैं अपने उसी वक्त स्टार्टिंग में मेरा माइंड ये बहुत तेजी से सीख लिया था, जो कमाएंगे सब छूट जाएगा, जो रिलेशन बनाएंगे वही साथ जाएगा। हम दुनिया में नहीं है तो हमारे नहीं होने का कितना दर्द लोगों को है, यही असली कमाई होती है। हमने प्रॉपर्टी बहुत कमाई, उसको दर्द नहीं होगा। हमने स्टॉक्स बहुत लिए, उसको भी दर्द नहीं होगा। हमारे पास FD बहुत है, उसको भी दर्द नहीं होगा। हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उसको भी दर्द नहीं होगा। दर्द लोगों को होगा, और ये होता तब है जब हम वैल्यू डालते हैं, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। दिस इज अल्टीमेट प्रोसेस। यही एक चीज है जो जिंदगी को चाहिए। बाहर जो हम झगड़े करते हैं ना, पता है क्यों करते हैं? हमको कोई प्रेम करे, हम इसलिए झगड़े करते हैं, इसलिए बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनना चाहते हैं, पार्टी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं बाहर। हमारी तरफ ध्यान दो। मैं आपको बताता हूं, इसको हासिल करने का एक ही ध्यान है, हम अपना ध्यान अपनी जिंदगी की तरफ ले आए। हमारा ध्यान अपनी जिंदगी की तरफ हो जाए, इसी को वैल्यू कहते हैं, इसी से मिरेकल क्रिएट होता है। लाके तो देखिए, सारा का सारा बाहर आयोजन इसी के लिए है, इसी के लिए। कहते हैं ना कि किसी के घर में गए तो कैसे, क्या खाना खिलाया, किस बर्तन में खिलाया, इसका महत्व नहीं है। उसका भाव क्या है, उसका महत्व है। उसकी फीलिंग कैसी है, उसको खुशी कितनी मिल रही है, उसका महत्व है। चाहे वो एक दोने में खिलाया हो, जिंदगी हर पल हर घटना हमें हमारे माइंड को एजुकेट करने के लिए है, एक एग्जाम है। मैं अपने स्वामी जी की एक बात बताता हूं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि स्वामी जी साउथ में थे 25 दिनों के लिए और बोले सुबह शाम डोसा इडली उत्पम खाते खाते 25 दिन मेरी हालत बिगड़ गई। और 26वें दिन मैं आया कलकत्ता और एक अम्मा जी के पास था, क्योंकि वो हमेशा गेस्ट के रूप में रहते हैं,
तो उन्होंने बोला आज मुझे डोसा इडली खाने को नहीं मिलेगा, आज कुछ डिफरेंट मिलेगा। अम्मा ने बोला सुबह सुबह, स्वामी जी आज इतना बेहतरीन डिश बना रही हूं ना, कभी कभी हमारे यहाँ बनता है, आप एकदम खा के मस्त हो जाएंगे, आज एकदम आनंदित हो जाएंगे। तो स्वामी कभी पूछते नहीं है, वो बोलते हैं मैं इसे सरप्राइज रखता हूं। और जब दोपहर में खाना शुरू किए, खाना का टेबल देखे तो वही इडली वही डोसा। अब डिस्टर्ब होने के लिए इतना बहुत है, लेकिन स्वामी जी को मैंने देखा है कि उन्होंने माइंड को कैसा एजुकेट किया है। बोले जो प्रभु का प्रसाद मिले उसे ग्रहण कर लो, वो प्रभु के तरफ से आया है। जीवन में अच्छा बुरा जो आ रहा है वो उसका प्रसाद है, उसकी तरफ से है। हमारे लिए हो गया कुछ अच्छा, वो भी वो चाहता था, नहीं हुआ वो भी वो चाहता था। हर दर्द वही दे रहा है, उस दर्द से हमें लर्न करना है, इस माइंड को एजुकेट करना है, रिएक्ट नहीं करना है। और रिएक्शन हमारी जिंदगी का ऐसा पार्ट बन जाता है, रिएक्शन 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 रिएक्शन, कि फिर ये माइंड एजुकेट हो जाता है और कुछ भी हुआ फटाक से माइंड रिएक्ट करता है। मैं एक चीज आपको गाइड करूंगा यहां पे, माइंड को एजुकेट कीजिए कि जब आप बोलते हैं ना, बोलने के पहले आपका माइंड सोचना शुरू कर दे। अगर बोलते समय माइंड नहीं सोच रहा है तो एक बात ध्यान में रखिएगा, तब माइंड इसलिए बोल रहा है कि मन मेरा हल्का हो जाए। बोलने के साथ हमारा माइंड एकदम कंप्यूटर की तरह ऑन हो जाना चाहिए कि सोचना शुरू कर दे, जो हम बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फायदा होगा, क्या होगा, जरूरी है कि नहीं है बोलना। क्योंकि एक मैं आपको बता सकता हूं, 90% जिंदगी में सक्सेस इस जुबान पे है, इस जीभ पे है, जिसका वजन शायद बॉडी में सबसे कम है। दूसरी चीज, हम कभी भी कोई फैसला लेते हैं ना, एनालाइज करते हैं ना, तो जैसे हमें 25 चीजों को देख के फैसला करना है, हम क्या करते हैं एक ही दो तीन चीजों को देख के फैसला ले लेते हैं, क्योंकि वो एक दो तीन चीजें तो हमें दिखती है, बाकी 22 चीज दिखती नहीं है। इसके लिए पर्सनल ग्रोथ चाहिए, सेल्फ की ग्रोथ चाहिए, तब हम पूरी बॉडी को देखते हैं। अब अगर मैं केवल उंगली को देख के फैसला करूं कि मेरा उंगली कैसे बढ़िया हो जाए, और पता चले उंगली को बढ़िया करने के चक्कर में मेरा टेहुना खराब हो जाए, टेहुना को देख के किया तो मेरा एल्बो खराब हो गया, तो जो फैसला हम लेते हैं ना जिंदगी में, वो जिंदगी के सारे पहलुओं को देख के लेना पड़ता है। शायद एमवे बिजनेस को बिल्ड कर रहा है तो एक ही पहलू देख रहा है, यार यहां मेहनत ज्यादा है, बाहर बहुत आसानी से पैसा आ जाएगा, मैं भी कुछ और देख रहा है। लाइफ कंप्लीट एक पैकेज है, लाइफ का बहुत विस्तृत रूप है, केवल हम एक महीना नहीं देख सकते। आज मेरी मदर, हम लोग 9 भाई बहन है, अपने बिस्तर से नहीं उठ सकती, एक दिन मेरी जिंदगी में भी वो आएगा। तो हमें जिंदगी में बहुत लंबा देखना पड़ता है कि 20 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 40 साल बाद क्या होगा, एट द एंड ऑफ लाइफ क्या होगा। हम केवल तत्काल क्षणिक इंस्टेंट पे फोकस हो जाते हैं। मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, इस सृष्टि में सब कुछ रिपीट होता है, हम जो बोते हैं वही फसल आती है। अभी हम संगीता जी बच्चों के साथ हम लोग हजारीबाग गए थे, वहां 10 दिन मैं अपनी मदर के साथ टाइम बिता के गया, और अगले महीने में फिर जा रहा हूं। कुछ लोगों ने हजारीबाग में बोला बहुत अच्छा कर रहे हो, अपनी माँ के लिए आ रहा हो। मैंने बोला माँ के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं अपनी वाइफ के लिए आ रहा हूं। पूछा कैसे, बोले इससे मेरे बच्चे समझ पा रहे हैं कि जब मेरी वाइफ की स्थिति होगी और वो दिल्ली कलकत्ता में होंगी, संगीता जी बनारस में होंगी, तो उसे भी आना चाहिए। ये मैं उन्हें एजुकेट कर रहा हूं। हम अपने लिए तो चाहते हैं लेकिन जी के नहीं दिखाते हैं। बस फर्क 25 साल का है, 20 साल का है, ये होना तय है। हमारा माइंड बहुत चालाक है, ये मालूम है सबसे बड़ी चीज क्या करता है, हमसे कोई भी गलती होगी ना तो कारण दूसरे को ढूंढ लेगा, बड़ी तेज ढूंढता है, एकदम एक मिनट में कारण सारे ढूंढ देगा, ये चीज हुई ये नहीं हुआ, कारण ये है ये है ये है, मैं नहीं हूं। माइंड की ओनरशिप सबसे पहले आती है जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मैं जब बनारस आया था ना तो 22 साल का था,
और बहुत कुछ लेके नहीं आया था, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत अप डाउन्स देखे, और मुझे पता था कि अगर मैं फेल हो गया तो वापस मेरी जिंदगी कैसी होगी। मैंने वो पापड़ बेले हैं, शायद आपको लगता हो कि सब कुछ बहुत आसानी से हो गया, और ऐसी परिस्थिति भी देखी कि जेब से 10 रुपया निकालते थे तो वापस डाल देते थे कि इसकी बहुत कीमत है, पता नहीं आगे क्या होगा। और उस परिस्थिति में मैंने महसूस किया, हम इतना दुनिया के बारे में सोचते हैं, दुनिया कुछ नहीं सोचती हमारे बारे में। वो खुदा परेशान है दुनिया में कि मनोज जी क्या सोच रहे हैं, मनोज जी परेशान है वो क्या सोच रहा है। इस खेल से निकलिए, अपनी जिंदगी को लीड कीजिए। इस धरती में एक ही चीज सबसे कीमती है, सबसे कीमती है, एक ही चीज चाहिए, हमारे जीवन का गौरव, हमारे जीवन की महिमा। इस धरती में एक ही चीज अच्छी हो सकती है, सुंदर हो सकती है, वो है जीवन। अगर जीवन सुंदर हो ना, तो 200 रुपया का टी शर्ट भी, उसकी चमक भी करोड़ों रुपया के हीरो हीरे जोहरा से ज्यादा चमकेगा। कम पैसे में जीना अपराध नहीं है, जिंदगी को नहीं सही जीना अपराध है। और जिनके जीवन का गौरव है, एक से एक महापुरुष और संत हैं जिनके महिमा से, जीवन की गौरव से, महिमा से आज भी जीवन महक जाता है, खुशबू फैल जाती है। कबीर दास हैं, रहीम दास हैं, कितने संत महापुरु हैं। पैसा कमाना है लेकिन जीवन को ऊपर उठाना है। जीवन के लिए हम कमा रहे हैं, जीवन में सार्थक इन्वेस्ट करना है उसको। और पहला आपका ड्रीम होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं कि आज जो भी इनकम कमा रहे हैं उतनी इनकम आपके इन्वेस्टमेंट से आए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग मुझे मिलते हैं बिजनेस में भी, बिजनेस के बाहर भी, सुरेंद्र सोनी जी अक्सर हम लोगों की बातचीत होती है, उन्होंने भी 22 साल में अपनी जिंदगी में स्ट्रगल किया, शुरू किया, एंड ही इज सो पैशनेट टू बिल्ड कैपिटल। दुनिया को सिद्ध करने के लिए नहीं, अपनी फैमिली को, अपनी बॉडी को, अपनी ओल्ड एज को प्रोटेक्ट करने के लिए। आज हम दुनिया को दिखाने के लिए पैसा, इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा उड़ा देते हैं। क्या 70 साल की एज में क्राइसिस आएगा तो कोई मुझे हेल्प करने के लिए आएगा? ये सवाल पूछिए अपने मन से। और मन, आप कुछ भी कर लेंगे तृप्त नहीं होगा, उस संतुष्ट नहीं होगा। मन को दीजिए गोल बना के दीजिए, लक्ष्य बना के दीजिए, ओनर बने रहिए उसका और खुश रहिए। बिजनेस को करते हुए खुश रहिए, जिंदगी में खुश रहना। हमारे स्वामी जी कहते हैं कि जो आदमी जिस हाल में है उसमें खुश है तो उसे कोई दुखी नहीं कर सकता, और अगर नहीं है सब कुछ होने के बाद भी तो उसको सब कुछ मिल जाए, सब कुछ उसके फेवर में हो जाए तो भी वो खुश नहीं रह पाएगा। हम जिस हाल में है, जो स्थिति है उसमें खुश रहें। हमारा माइंड बहुत जल्दी पकड़ता है, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया, ऐसा हो गया। मैं आपको बता सकता हूं, धरती में एक ही चैलेंज है, एक ही चैलेंज है सबका, वो हमारा खुद का माइंड है। और एक ही ताकत है हमारे पास सबसे बड़ा, वो भी हमारा माइंड है। वो कहते हैं ना, डूबेंगे सनम तो इसी की वजह से, और झंडा भी फहराएंगे ऊपर में, मेडल भी लेंगे तो इसी की वजह से। इस पे आपको, हमको लगाम लगाना होगा, इसे कसना होगा, इसको एजुकेट करना होगा, इसकी सवारी करनी पड़ेगी। और ये सिस्टम यही काम करता है, और जब आप इसको करने लगेंगे यहां धीरे 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 ये होने लगेगा तो आप आनंदित हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, मैं अपनी टीम में बहुत लोगों से सीखता हूं, बहुत लोगों से सीखता हूं, और बहुत आनंद आता है देख करके यंग यंग डिस्ट्रीब्यूटर्स को। मैं एक चीज आपको बताऊंगा, कभी इस बिजनेस में अपलाइन मत बनने की कोशिश कीजिएगा, अपलाइन बन के मत लीड कीजिएगा। अपलाइन बन के लीड करना लीडरशिप है, सॉरी पोजिशनल लीडरशिप है, उस चक्कर में मत फंसिएगा। इस बिजनेस में पिन की कभी पूजा नहीं होगी, इस बिजनेस में पूजा एक ही चीज की होगी, आपने वैल्यू कितने लोगों की लाइफ में डाला है, कितनी लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन किया है, कितने लोगों के जीवन को बेहतर किया है। और वी ऑल आर फॉर्चुनेट टू हैव सुमित एंड तन्या बहादुर। मैं उनके जीवन का गौरव देखता हूं, अल्टीमेट। एक एक व्यक्ति से कितने प्रेम से, कितने बढ़िया से बात करते हैं वो। धरती में इससे बढ़िया कुछ सीखने की चीज नहीं है।
एक वर्ड उनके मुंह से गलत निकल जाए ना, तुरंत वो पकड़ते हैं और तुरंत करेक्ट कर देते हैं। मैंने देखा है उनको। दोस्तों, हम सबके जीवन का महाभारत चल रहा है। महाभारत की जो घटना हम पढ़ते हैं ना, वो अपनी जगह है। महाभारत वो घटना नहीं है, वो हर व्यक्ति का जीवन एक महाभारत है। और इस महाभारत में वही व्यक्ति जीतेगा जो अर्जुन बनेगा और एक कृष्ण ढूंढेगा, जो देखने में नहीं होगा, बातें करने में नहीं होगा, एक्चुअल में कृष्ण होगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं, उसकी जीत निश्चित है। पहले यह तय करना होगा कि मैं अर्जुन की स्थिति में हूं कि नहीं, क्योंकि उसे चुनना भी होगा। और जब कंफ्यूजन आएगा तो वो जो बोलेगा उससे सुनना भी होगा, उसको शमीशन कहते हैं। वहां अपना दिमाग नहीं चलेगा, अब कृष्ण का ही दिमाग चलेगा। ये चीज अर्जुन ने कृष्ण पे छोड़ दिया था। वो युद्ध के मैदान में भीम की तरफ नहीं भागा, भीम भैया हमको बताओ, मैं कंफ्यूज हो गया हूं, मारू कि ना मारू अपने लोगों को। उसने कृष्ण से काउंसलिंग की। पूरी महाभारत का खेल यही है। कृष्ण का मतलब है जीवन, और कृष्ण की सेना का मतलब है संसार। हम संसार के चक्रव्यूह में फंसे हैं, और कहते हैं ना कि अर्जुन चक्रव्यूह के जाल में नहीं फंसता क्योंकि उसके पास कृष्ण है। अभिमन्यु इसलिए फंस गया क्योंकि उसके पास कृष्ण नहीं था। और कौरवों को पता था कि कृष्ण को और अर्जुन को किनारे भेजो, दूर भेज दो जयद्रथ के चक्कर में, फंसा दो, क्योंकि कृष्ण रहेगा तो वो निकल जाएगा। संसार के चक्रव्यूह में जीना है, संसार में जीना है, लेकिन संसार से डिस्टर्ब नहीं होना है। यही हमारा स्पिरिचुअल एग्जामिनेशन है। हर घटना एक एग्जाम होती है। रिएक्शन मोड से निकलना है, रिस्पॉन्ड मोड में आना है, लेकिन इसको माइंड को एजुकेट करना पड़ेगा ना तुरंत। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, उसने क्यों किया, उसने क्यों किया, वो क्या कर रहा है। अगर मैं घर से बाहर निकला, चार पड़ोसी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, मेरे बारे में तो बोले नहीं बोले, अच्छा उसने क्या बोला, उसने क्या बोल दिया। इतना डाटा इकट्ठा है कि ऐसा माइंड फिर कितना ही टीचिंग करे, मनोज अग्रवाल, सुमित जी, दीपक जी, अनिल जी, अमिताभ जी, उसका दिमाग तो ही चलेगा, पड़ोसी क्या बोल दिया, उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा करता है, उसने क्या बोला, उसका वाला बढ़िया है, उसका कपड़ा बढ़िया है, उसकी पार्टी बढ़िया है। आप देखिए यही चीज चलेगा, चलता रहता है। मैंने अपने माइंड को एक एजुकेशन दे दिया है। अगर मुझे कोई जिंदा कृष्ण मिल जाए, चाहे वो 12 साल का हो, चाहे 60 साल का हो, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा। और मैंने एक एक करके बहुत सारे जिंदा कृष्ण ढूंढे हैं इस धरती पे। और मैं आपको बता सकता हूं, अरबों की दौलत एक तरफ, एक जिंदा कृष्ण को ढूंढ के उसके समीशन में जीना, उसका मूल्य उससे ज्यादा है। लेकिन क्या करें, मन नहीं मानता। मन जो बहुत कुछ दिखता है ना, वो मानता नहीं। अरे अरे, ये भी वो सिंगापुर घूमने गया था, वो ऐसे करके आया था, वो ऐसे कर लिया, उसने ऐसे कर दिया, उसने बहुत बड़ी पार्टी दी, अरे क्या विराट कोहली ने शादी किया, ऐसे किया, वैसे किया, यही चलता रहता है। एक जिंदा कृष्ण आ जाए, देखिए उसके बाद क्या मिरेकल होता है, और आपका माइंड एक एवरेज माइंड से निकल करके एक महान दिशा में अग्रसर होगा, और आप जीवन की दौड़ जीत जाएंगे। आई हैव अर्न दैट कृष्णा, एंड वी ऑल हैव सुमित एंड धान्या बहादुर, वी ऑल आर सो हैव फॉर्चुनेट। दोस्तों, जिंदगी बहुत कीमती है। बस इस जिंदगी में जो शुरुआत होती है ना, इसी मन से, ये सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट हमें भगवान ने दिया है, जिसे हमें अच्छे से प्ले करने सीखना है। क्योंकि जब तक ये चीज नहीं होगा, आपकी डायमंड शिप में सबसे बड़ी तपस्या यही है। और इसके लिए ये फोन खराब नहीं है, अच्छा बुरा नहीं है, हमने माइंड को कैसा ट्रेंड कर दिया है उसके हिसाब से ये अच्छा बुरा है। जिसने ग्रोथ के लिए ट्रेंड किया है ना, वो ग्रोथ वाली चीजें देखेगा, वो रेस के घोड़े की तरह भागेगा। और जिसने ट्रेंड नहीं किया है, वो जंगली घोड़े की तरह पड़ पड़ इधर का उधर, उधर का उधर, कभी इसको देखा, कभी उसको देखा, कभी उसने क्या ले लिया, उसने क्या खरीद लिया, उसने क्या कर लिया। मैं तो देखता हूं लोगों को एक सामान खरीद के उस पर कैसे 15-15 दिन चर्चा हो जाती है।
पंद्रह पंद्रह दिन, दस दस दिन, ये अच्छा लगेगा, ये यहां लग जाए तो अच्छा लगेगा, ये यहां लग जाए तो अच्छा लगेगा। मैं कहता हूं आप अच्छे हो जाइए, सब अच्छा हो जाएगा। आपकी शर्ट अच्छी हो जाएगी, आपका कपड़ा अच्छा हो जाएगा, हमें अच्छा होना है। और लास्ट में मैं एक ही चीज बताऊंगा जो मैंने समझा है, अगर हम ठीक हैं तो गलत करेंगे ना तो भी ठीक होगा, और हम गड़बड़ है ना तो हम अगर ठीक भी करेंगे, अच्छा काम भी करेंगे तो गलत होगा। आप इसको आजमा लीजिएगा, ये मेरा पक्का एक्सपीरियंस है। इसलिए कहते हैं बिल्ड योर सेल्फ, अपने को बिल्ड कीजिए, लोगों को बिल्ड कीजिए, लोग बिजनेस बिल्ड करके बहुत बड़ा कर देंगे। बिजनेस एटीट्यूड रखिए, बिजनेस माइंडसेट रखिए। अभी जो मैंने बातें की वो लीडरशिप एटीट्यूड की थी, लीडरशिप माइंडसेट की थी, और डिजिटल में तो धीरे धीरे हम लोग सब रम ही रहे हैं, बस इतना ही है जितनी जल्दी हो जाए। आई विल इनवाइट संगीता जी ऑन स्क्रीन। मेरे पास तो ये दीवान भी ऐसी है, मुझे ऐसा ये रोग लगा हुआ है, ऐसी एडिक्ट है मैं, कसम से अगर रात में 12 बजे तक बिना खाए पिए बात करेंगे तो मैं करता रहूंगा। आई रियली कि मुझे इतनी खुशी मिलती है मैं आपको बता नहीं सकता। तो संगीता जी आपके साथ हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, और बिल्कुल सच बोल रहे हैं मनोज जी, ये अभी बुलवाते रहिए तो ये रात तक बोलते रहेंगे, और आई थिंक कि कोई बात शायद रिपीट भी ना हो, और बहुत सारी लाइफ की चीजों को हम लोग सीख लेंगे। तो रियली वी प्राउड ऑल ऑफ यू, आज मनोज जी की होस्टिंग, दया जी का प्लान, सब बहुत बहुत बढ़िया था, और हम लोग लकी हैं कि आप सब लोग हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में हैं। और आई एम रियली वेरी प्राउड टू माय हस्बैंड कि मुझे कृष्ण मिले, मैं इनके राधा भी हूँ और ये मेरे कृष्ण के रूप में मेंटोर भी हैं। तो मतलब ऐसा लकी कोई कोई ही शायद होता होगा, बट आई एम लकी, और आप लोगों को भी एज अ मेंटर मिले हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और सुमित जी, तान्या जी से हम लोग आई थिंक कि हम लोग की रेगुलर बातचीत होते रहती है उनसे, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जब भी हम लोग ट्रिप्स पे साथ में रहे इधर कुछ वर्षों से, तो हमेशा उनको वॉच किया, उनके साथ रह के बहुत सारी चीज़ों को सीखा कि वो कितने हम्बल हैं, कितने केयरिंग हैं, और हमेशा कैसे लोगों के लिए सोचते हैं। तो बहुत कुछ उनसे सीखने को मिल रहा है, बट चीज यही है कि जो मनोज जी ने शुरुआत की कि हम अपने माइंड को कैसे एजुकेट करते हैं, सारा खेल उसी पे डिपेंड करता है। और हम लोग में सबसे अच्छी आदत रही शुरू से कि बी ऑलवेज लिव इन लर्निंग प्रोसेस। शुरुआत में चीजें शायद कम समझ आ रही थी, लेकिन अब जितने ज्यादा सीख रहे हैं, जितना ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, उतनी समझ आ रही है कि हमको हमेशा हर एक पल हर एक घटना से सीख मिल रही है। सो इट्स अ मतलब रियली ऑसम प्रोसेस। इस बिजनेस में पैसा कम आए इट डजंट मैटर, बट जो इसने जीवन की ग्रोथ दी, जो जीवन की समझ दी, जो यहाँ पे सीख रहे हैं पूरी फैमिली, जो हम लोगों में चेंजेस आए, दैट इज ऑसम। कहते हैं ना कि माइंड को एजुकेट करना है, तो हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ सिंपल सी चीज थी कि पहले जब फिजिकली होता था तो हम वैसे लोगों से एसोसिएट करते थे, उसके साथ साथ हम लोगों ने बुक्स रीडिंग पे हमेशा ध्यान दी, और अब जबकि सारी चीजें डिजिटल हैं, बहुत सारे कहेंगे पैंडेमिक सिचुएशंस काफी टाइम से चल रहा है, तो हम सब लोगों के पास डिजिटली हर एक चीज, हर एक गुड एसोसिएशन अवेलेबल है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने माइंड को एजुकेट करने के लिए, उस गुड एजुकेशन के लिए कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या हम अच्छी बुक्स को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने मेंटर्स से कैसे एसोसिएटेड हैं, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। और देखिए, बुक्स पढ़ना शुरू में मुझे भी थोड़ा मुश्किल लगता था, और बहुत लोगों को मुश्किल लगता है, बट धीरे धीरे समझ आई ना कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सारे बहुत किताबों को पढ़ा है, उन सभी लोगों ने, मतलब बहुत बहुत ज्यादा, उनकी काउंटिंग मतलब बहुत ज्यादा में है, हजारों में, मोर देन थाउजेंड्स। और एक अच्छी चीज मुझे ये लगी कि जब से बिजनेस में हम लोग आए, तब से मेरे बच्चों में ये एक अच्छी हैबिट बचपन से पड़ गई कि वो अच्छी अच्छी बुक्स को, बेस्ट सेलर बुक्स जो लाइफ में आपके चेंज ला रहे हैं, रिवोल्यूशंस ला रहे हैं, उनके कॉन्टेक्ट में वो आए और उनको पढ़ने की आदत पड़ गई। और आई थिंक कि वेदांत
मोर देन 150 या उससे भी ज्यादा किए कि उन किताबों को वो पढ़ चुके हैं और इससे जो उनमें विजडम जनरेट हो रहा है लोगों में उसको हम लोग महसूस कर पा रहे हैं कि क्या वो सक्सेस प्रिंसिपल्स उनमें आ रहे हैं जो हमें हम लोगों ने शायद 20 वर्षों में भी नहीं सीख पाए हैं और आज हम उनसे भी सीख रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज मैंने नोटिस की अपने बच्चों में इस लर्निंग के दरमियान या इन बुक्स के एसोसिएशन से कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है, दे हैव चॉइसलेस लाइफ। दोनों को ही कोई कपड़ों में चॉइस नहीं, आप कहते ना जो सक्सेसफुल लोग को कई बार आप सुनिए देखिए तो मतलब मुझे पता नहीं सबके नाम जो भी हो जो भी जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं चाहे बिल गेट्स हैं या इलॉन मस्क समथिंग जो भी हैं लोग, तो वो अपने ऊपर टाइम मतलब खर्च पे इन्वेस्टमेंट पे टाइम नहीं खर्च करते। उनको लगता है कि वो टाइम वेस्ट हो रहा है, उतने टाइम में तो बहुत कुछ लर्न कर लेंगे, बहुत कुछ आगे बढ़ जाएंगे, बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे लोगों के लिए खुद के लिए, और वही चीजें उनमें भी हैं। और ये चीज अब हम भी सीख रहे हैं कि हमें उन चीजों में लोगों को दिखाने के लिए नहीं खर्च करना है, जितनी जरूरत है बस उसमें खर्च करो और जो हमें टाइम मिल रहा है जो हमारे पास पैसा है उसको हम अपने आप को बेहतर करने के लिए अपने माइंड को एजुकेट करने के लिए उस पर हम खर्च करें। और यही आज की सबसे बड़ी जरूरत है, अगर इस बिजनेस में भी सक्सेस होना है ना तो हमें अपने टाइम अपने मनी को अपने माइंड को एजुकेट करने पे खर्च करना है। बोलते ना कि सेल्फ लर्निंग, जब ये सारी चीज कर रहे होते हैं ना, जब हम लोग भी कर रहे थे तो बहुत बार लगता था कि इतना कुछ पढ़ रहे हैं इतने एसोसिएशन में हैं बट वो सक्सेस तो नहीं आ रही ना जो हमें चाहिए थी, तो इससे कैसे आ जाएगी सक्सेस, ये स्पिरिचुअलिटी से कैसे हो जाएगा ये सारी कुछ। लेकिन ये सारी चीज एक मिनट में नहीं होती है, इसके लिए वक्त लगता है, क्योंकि वो हैबिट में जब हमारी कन्वर्ट होंगी चीजें, और ये हैबिट एक मिनट में नहीं बन जाती है, 1% अगर हम रोज चेंज होते हैं, 1% रोज बेटर होते हैं, तब जाके कहीं साल दर साल वो हैबिट हमारी बनती है और फिर जब उस हैबिट पे हम काम करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट आता है। तो हमें अपने आप को उस हैबिट में डालना है, वो जो मैं बता रही थी सेल्फ लर्निंग, कि सेल्फ लर्निंग में क्या होता है, जस्ट लाइक अ मैंगो ट्री, जब हम लोग कोई इस तरह का पेड़ का जब सीड्स डालते हैं ना पृथ्वी में, तो क्या एक ही दिन में वो पेड़ से बन के फ्रूट्स आ जाने लगते हैं उसमें? नहीं ना, जब आम का गुठली बोएंगे तो कई वर्ष लग जाते हैं तब जाके एक अच्छा वृक्ष जो है वो आम का फल देता है और फिर वो फल रेगुलर आता है जनरेशन टू जनरेशन। तो वैसे ही हमारी ये जो गुड हैबिट्स हैं, हमें अपने आप को सक्सेस करने के लिए उसको हमको डे बाय डे कंसिस्टेंसी रोज डालना है। जैसे कि हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं ना कि बिजनेस में आप थोड़ा ही करिए बट रेगुलर बेस पे काम करिए, रोज करिए, रोज माइंड को एजुकेट करना है, रोज अपने बिजनेस के लिए कुछ प्रोसेस करना है। ये नहीं कि एक बार किया फिर 2 महीना 4 महीना हम शांत हो गए, फिर 6 महीने बाद जगे फिर शुरू किया फिर शांत हो गए, ऐसे नहीं। अभी अभी जो लेटेस्ट पॉडकास्ट था आई थिंक सुमित जी का, आई थिंक लेटेस्ट वाले में ही था कि जब उसमें वो पार्किंसंस के बारे में बता रहे थे तो मुझे एक बार समझ नहीं आया कि क्या चीज है। जब मैंने उसे गौर से उस चीज को वो चीज को ध्यान दिया, हालांकि हम इसको पहले भी सुने थे बट एज अ लॉ, कि पार्किंसंस में क्या होता है कि मतलब अगर हमें कोई काम को करने के लिए एक डेडलाइन हम सेट करते हैं, जैसे इस बिजनेस हम लोग करते हैं ना कि हमने एक गोल डिसाइड किया और उस पर एक हम डेट डालते हैं कि इस डेट पे हम काम कर लेंगे खत्म इसे या इसको अचीव करेंगे, तो वही चीज है अगर हम इसको 1 महीने का डेडलाइन देते किसी भी काम को मान के चलिए, तो हमारा दिमाग क्या है कि उसको 1 महीने तक धीरे 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 करेगा और उसको खत्म करेगा। उसी काम को यदि हम 15 डेज का डेडलाइन देते हैं तो वो 15 डेज में कंप्लीट करता है, उसी काम को यदि हम 1 वीक का देते हैं टाइम तो वो 1 वीक में करता है। अभी इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल हम लोग का बताया है कि जब हम लोग को इंग्लिश में टॉक करना था सुमित जी का और हमारे पास 1 मंथ पहले ये था कि आपको करना है, बट चूंकि हमारे पास 1 मंथ का टाइम था तो हमारा दिमाग उसी हिसाब से काम कर रहा था और हमने 1 महीने में कोई भी काम नहीं किया, बस थोड़ा सा हम लिसनिंग कर रहे थे इंग्लिश टॉक्स को, लोगों के संतों के
चीजों के बस, और बाकी मुझे क्या बोलना है, हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं। लेकिन विदिन जब वो एंड की तरफ आया और जब दो या तीन दिन बचे, तब हमारा दिमाग उस पर काम करना शुरू किया कि अब हमें क्या बोलना है। तो फ्रेंड्स यही होता है कि जब आप अपने माइंड को टाइम का डेडलाइन दे देते हैं ना, तो वही काम जो कि हम एक महीने में कर रहे थे, हम उसे दो दिन के अंदर या एक दिन के अंदर भी कर सकते हैं। तो सारा चीज इस माइंड का ही खेल है। हमें सिर्फ ये सोचना है कि यस वी कैन, हम किताब भी पढ़ सकते हैं, हम लर्न भी कर सकते हैं, हम बिजनेस भी कर सकते हैं और हम आगे भी पढ़ सकते हैं। और जो हमारा गोल है, हमें उसको एक जरूर टाइम का डेडलाइन देना चाहिए कि इतने वक्त के अंदर हमें ये काम करना ही है। तो फिर देखिए आप वहां तक 100% पहुंचेंगे, पहुंचना ही पहुंचना है। देखिए मनोज जी की एक अच्छी आदत क्या चीज है कि वो हमेशा जो है ना अपने टाइम को ब्लॉक रखते हैं। मीन्स कि जैसे कि शुरू से इनकी हैबिट है कि इन्होंने जैसे अब इनका फोकस है कि हमें ये बिजनेस में ये गोल अचीव करना है, तो जो शुरुआत होती है रोज दिन की, तो पहला काम होता है सुबह से लेकर रात तक कि हमको अपने बिजनेस के लिए जो काम करना है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, मीन्स मस्ट डू, ये तो करना ही करना है हर कीमत पे, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जो हमारी रोजमर्रा की जरूरतें हैं या हमारे घर के लिए कुछ चाहिए या घर में कुछ मतलब कुछ जो अदर एक्टिविटीज हैं, ये अगर हमें टाइम मिला तो हम कर लेंगे, वरना अगर टाइम नहीं मिला तो हमें नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए। और कुछ अगर लगता है कि ये चीज फालतू है जो संगीता जी ने बता दी, या बच्चों ने, या समथिंग फैमिली की तरफ से कुछ ऐसा चीज है डिमांडिंग है समथिंग जिसकी जरूरत मतलब बिना मेरे किए हो सकता है, तो वो कभी उस काम को नहीं करते हैं। टिल फर्स्ट डे से लेके मैं आज तक देख रही हूँ कि वो काम वो नहीं, तो मीन्स नहीं, वो फालतू काम है, वो जिसको करना है वो करे। तो हमारी प्रायोरिटी इस तरह से होनी चाहिए कि हमारा जो भी गोल है, चाहे इस बिजनेस में या अदर कुछ भी, तो हमें पहले उस काम को करना है हर रोज। उसके बाद जो हमारा टाइम शेड्यूल बचता है उसको हम शेड्यूलिंग करें और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड करें। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मनोज जी की, और बेसिकली वो हर एक सक्सेसफुल पर्सन की है, कि फोकस। और ये तो बहुत बहुत पहले दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ, बट अब कुछ चीजें और समझ आ रही है मुझे कि कैसे इतने फोकस्ड हो पाते हैं। जो मैं हमेशा आप लोगों से चर्चा करती थी कि मनोज जी हमेशा बड़ी गर्मी में बैठे रहते हैं, मैं कुछ बोलूं या कुछ भी घटना घटी इनके ऊपर कोई असर नहीं होता है, और ये अपने काम में एकदम पैशनेटली लगे रहते हैं। तो मुझे ये चीज अब समझ आई जब मैं और बुक्स स्टडी कर रही थी और सक्सेसफुल लोगों के बारे में हमने जाना, तो हमें पता चला कि कुछ इस तरह के फोकस्ड लोग होते हैं जिनको कहते हैं कि लेजर फोकस्ड, और वो इतने ज्यादा फोकस होते हैं जैसे लेजर काम करता है ना, कि दम से वहीं पे ध्यान रहता है कि जिस चीज पे लेजर आप लाइट मारिए वहां पे वो छेद करता है, तो वैसे ही इनका फोकस है। और ऐसे टाइम में क्या होता है कि आपके जितने भी सेंसेस होते हैं, चाहे वो आंख कान नाक जो भी सेंस हैं, वो सारे के सारे उसी डायरेक्शन में फोकस्ड हो जाते हैं, और इसीलिए इस तरह की चीजें घटती हैं, और इसीलिए उनको कोई इन्वायरमेंटल असर या कोई भी इमोशनल या कुछ भी वो उस टाइम पे उन्हें कुछ असर नहीं करता है। और जब ये बात मुझे क्लियर हुई और जब मैं भी अब थोड़ा थोड़ा फोकस होने लग गई हूँ ना, तो मुझे भी समझ आ रहा है कि अब मैं भी बिना पंखे के कुछ काम कर पाती हूँ, या मेरे भी दो चार घंटे किधर निकल जाते हैं मुझे पता नहीं चलता। तो वो ही मैं मनोज जी से शेयर कर रही थी कि अब मुझे आपका राज पता चल रहा है कि आप कैसे इस तरह से कर पाते हैं। फ्रेंड्स फोकस में बहुत बहुत पावर है, और हर एक व्यक्ति अगर सक्सेस होना चाहता है तो उसको फोकस तो होना ही पड़ेगा। अब फोकस पे विवेकानंद की भी एक चीज ध्यान आ रही है कि एक बार जो है मनोज जी कह रहे हैं कि टाइम ओवर हो गया, बट मैं एक दो चीज मैं शेयर कर लूं बस, कि जैसे मैं बता रही थी कि विवेकानंद जी का जो फोकस पे मनोज जी से जो कंपैरिजन कर रही थी, कि एक बार वो स्ट्रीट लाइट में पढ़ रहे होते हैं और वहां से बारात गुजरती है और उन्हें कुछ पता नहीं चलता, मतलब वो भी इतने लेजर फोकस थे उस टाइम पे, और जब बाद में कोई एक बंदा आके उनसे पूछता है कि यहाँ से क्या कोई बारात गई, तो उन्होंने कहा कैसी बारात, कौन सी बारात, मतलब कि आपके सामने से इतना कुछ शोर होते हुए निकल गया और वो इतने फोकस थे कि उन्हें न तो दिखाई दिया ना सुनाई पड़ा।
तो क्या हम लोग इस तरह के फोकस हो पा रहे हैं अपने गोल को पाने के लिए? नहीं तो हमें इस पे सोचना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम भी फोकस हो सके। एंड लास्टली बस हम एक चीज कहेंगे कि हमें जो है वो टीम वर्क में काम करना चाहिए। कल हम लोग आर्यमन के साथ मैं एक फुटबॉल मैच देख रही थी और बड़ी अच्छी सी चीज वहां लगी कि देखिए मनोज जो वो एग्जांपल देते हैं और रोनाल्डो खेल रहे थे तो वो आर्यमन मुझे बता रहे थे तो मुझे भी बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा था कि रोनाल्डो कौन है, वो कैसे किक मारते हैं, कैसे क्या हो रहा है। और फ्रेंड्स देखिए जैसे फुटबॉल में 11 प्लेयर हैं है ना, कुछ प्लेयर्स दो चार बाहर भी हैं बट वो सारे यूनाइटेड होके खेलते हैं। जो किक मारना जैसे रोनाल्डो ने कल जो किक मारा, मैं वॉच कर रही थी कि जो पीछे से बाकी सारे प्लेयर्स हैं वो उस गोल को बना रहे थे और उसको पास कर रहे थे और वो इतने शार्प थे कि वो बहुत पीछे से भी दौड़ते हुए आते हैं और खट से किक मारते हैं और वो गोल हो जाता है। तो फ्रेंड्स वो रोनाल्डो का सिर्फ अपना गोल नहीं था, उसके अंदर सारे लोगों की यूनिटी थी, सब लोगों ने मिलके उस गोल को बनाया था। फ्रेंड्स इसी तरह से यदि इस बिजनेस में भी ना, हम सब लोग एक टीम प्लेयर है, सारे के सारे लोग, चाहे वो अमिताभ जी की टीम है, दीपक जी की है, जितने भी टीम्स हैं वो सब इस गेम में, इस ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम प्लेयर है। और जब सारे टीम प्लेयर मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के लिए गोल बनाते हैं और वो किक मारते हैं तो वो आप सब अपने अपने गोल को अचीव कर लेंगे। फ्रेंड्स बिजनेस कुछ नहीं है, बहुत बहुत मौज मस्ती का और बहुत लर्निंग वाली चीजें हैं यहाँ पे जो हमारी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं, हमारे बच्चों की जिंदगी को बेहतर बना रही हैं। एंड अंडर लॉट्स, चूंकि टाइम खत्म हो रहा है, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। लास्ट में यही कहूंगा दोस्तों कि अमीर फील करने के चक्कर में मत फंसिए, ये मन का खेल है, अमीर होना है अंदर से भी और बाहर से भी। और एक ही ड्रीम रखना है कि हमें इतना इन्वेस्टमेंट हो कि उस इन्वेस्टमेंट से इनकम आए। ये बहुत बड़ी ताकत है, ये बहुत बड़ी शक्ति है, ये बहुत बॉडी की बहुत बड़ी जरूरत है। मैंने इस पर बहुत गहराई से काम किया है और जब जब मेरा मन करता था, संगीता जी का करता था, कई बार इनको भी फील होता था तो मैं मन से यही बोलता था इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे फर्क क्या पड़ेगा। लेकिन ये शक्ति अगर पैदा होगी तो डायमंडशिप आएगी, लोगों की डायमंडशिप आएगी। कई लोग मुझे कहते हैं मनोज जी, मैं कल देख रहा था अपना गाड़ी का भी कागज देख रहा था, 2013 की गाड़ी है मेरी, डायमंडशिप भी आई, चल भी रही है। मैं ये नहीं कहता कि बड़ी गाड़ी नहीं लेनी है, लेकिन तब लीजिए जब उस गाड़ी में जो इन्वेस्टमेंट हो उससे आपकी जिंदगी पे कोई फर्क ना पड़े। लग्जरी को तभी यूज कीजिए, अगर आपको शौक है 1,00,000 रुपए की घड़ी पहनने का तो तभी पहनिए कि वो घड़ी गुम हो जाए तो आपको एक सेकंड का ख्याल ना आए, अफसोस ना हो आपको, तब हम उस बेहतर स्थिति में हैं। इस चीज को समझना चाहिए हमें। और फिर शौक अगर सब चीजों का है तो जीवन को सुंदर बनाने का शौक क्यों नहीं, जीवन को ऊपर उठाने का शौक क्यों नहीं, जीवन की गरिमा बनाने का शौक क्यों नहीं है? और पहले के जमाने में एक घर में 40 लोग बड़े प्रेम से रह लेते थे, आज 4 लोगों को रहना मुश्किल हो रहा है। पता है क्यों? पहले 40 लोगों का माइंड एजुकेट होता था, एक ही डायरेक्शन में भागता था, जीवन के डायरेक्शन में, और अब 4 लोगों का डायरेक्शन हमें अलग अलग भाग रहा है और चारों एक दूसरे से भिड़े जाते हैं सुबह से लेकर रात तक। दोस्तों कामयाबी की दौड़ अलग चीज है, जीवन की दौड़ अलग चीज है। लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा, चूहे की दौड़ में अगर मैं जीत भी गया तो लास्ट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, मैं चूहा भाई कहलाऊंगा, लेकिन शेर की दौड़ में हार भी गया तो लास्ट में शेर कहलाएंगे। ये जीवन की दौड़ है, साथ में कामयाबी भी है, यहाँ अमरनाथ की यात्रा भी है, वैष्णो देवी की यात्रा भी है और घूमना भी है, दोनों चीज हो जाता है। यही चीज मुझे अट्रैक्ट की थी, यही सत्य मैंने ढूंढा था। और समस्या केवल आपका माइंड है, आपका मन है, इसी को ठिकाने लगाना है, इसी को एजुकेट करना है, यही बाधा क्रिएट करेगा। और आई होप आप सब अपने ग्रोथ करते रहिए, अपनी ग्रोथ करते रहिए, हम लोगों से डिस्कस करते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे जब आपको कंफ्यूजन हो। और हम सब के अंदर भगवान का अंश है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। कभी किसी के प्रेशर में मत आइए, केवल जिंदगी को सही डायरेक्शन में जीते जाइए, आपका सेल्फ इमेज बहुत हाई हो जाएगा और ईश्वर की सारी शक्ति हमारे अंदर आएगी,
और आप इस मिशन में कामयाब होके अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा रोल मॉडल बनके बहुत बड़ा एग्जांपल सेट कर देंगे। थैंक यू, बैक टू होस्ट। थैंक यू।